मिडिल ईस्ट के दो देश इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ गई है। इस वक्त दोनों देशों में हालात कुछ ऐसे हैं। दोनों देशों की आर्मी पूरी ताकत से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। एक तरफ है ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान के कई लोकल संगठन, वहीं दूसरी तरफ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। इन्हीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक बटालियन पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा फोकस रहता है। ये बटालियन बेहद ही खतरनाक है और जंग की स्थिति में नेतन्याहू का सबसे बड़ा एसेट है। इजराइल का हर दुश्मन इस बटालियन से डरता है। तो आज इस वीडियो में इस बटालियन के बारे में सब कुछ जानते हैं। नमस्ते, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। इस स्पेशल बटालियन का नाम है नेत्सा यहूदा बटालियन। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की नेत्सा यहूदा बटालियन फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों को लेकर विवादों में रहती है और अब ईरान और इजराइल जंग के बाद भी इस बटालियन को लेकर कई बातें हो रही हैं। इस बटालियन के तौर तरीके बहुत ही ब्रूटल हैं और इसी वजह से हमेशा ये सुर्खियों में रहता है। नेत्सा यहूदा पहले से ही मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर बदनाम है। नेत्सा यहूदा एक बड़े पैमाने पर अति रूढ़िवादी इन्फेंट्री यूनिट है जिसमें केवल ऐसे सैनिक शामिल होते हैं जो अपनी मान्यताओं से समझौता किए बिना स्वतंत्र रूप से सेवा कर सकते हैं, यानी कट्टर यहूदी ही इस बटालियन में सर्व कर पाते हैं। इस यहूदा यूनिट के सैनिकों को महिला सैनिकों से बातचीत करने की अनुमति भी नहीं है। उन्हें धार्मिक अध्ययन और प्रार्थना के लिए भी अतिरिक्त समय दिया जाता है। 1999 में स्थापित बटालियन नेत्सा यहूदा राबी यत्सिक बार जाम और आईडीएफ के नेतृत्व में हरीडी शिक्षकों के बीच 18 महीनों की बातचीत का परिणाम था। शुरुआत में केवल 30 सैनिकों वाली नेत्सा यहूदा वेस्ट बैंक में लगातार तैनात की जाने वाली एकमात्र इकाई थी जो जॉर्डन घाटी से शुरू हुई और बाद में नियमित रूप से कई स्थानों पर तैनात की गई। नेत्सा यहूदा के पास अब 1000 से ज्यादा सैनिक हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इजराइल का सपोर्ट यूएस भी इस संगठन के खिलाफ है। दरअसल यूएस एक सैनिक की मौत के बाद से इस बटालियन से नफरत करता है। 78 वर्षीय फिलिस्तीनी अमेरिकी उमर असद की मौत इस बटालियन की वजह से हुई थी। बटालियन के सैनिकों की हिरासत में ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि अमेरिका इस यूनिट के खिलाफ प्रतिबंध का ऐलान कभी भी कर सकता है। अब जानते हैं कि इजराइल या ईरान, दोनों में से किस में कितना है दम। रक्षा बजट की बात करें तो ईरान इजराइल से काफी पीछे है, पर सैनिकों की संख्या के मामले में वो इजराइल से काफी आगे है। ईरान का रक्षा बजट महज 9.9 अरब डॉलर्स का है। इजराइल का रक्षा बजट 24.2 अरब डॉलर्स का है। हवाई ताकत की बात करें तो ईरान के पास 551 फाइटर जेट्स हैं और दूसरे विमान भी हैं। इजराइल के पास 612 सैन्य विमान हैं। ईरान के पास इजराइल के डबल टैंक्स हैं। ईरान के पास 4071 टैंक्स हैं जबकि इजराइल के पास सिर्फ 2200 टैंक्स हैं। ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं जबकि इजराइल के पास 67 युद्धपोत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आर भारत।